सो भाइयों, ये वीडियो का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, वो मोटिव मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के एंड होने तक समझ जाएंगे। तो दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग डेली पबजी खेलते हैं, पर दोस्तों क्या कभी आपने ये एक चीज़ सोची है कि आप जब भी एक मैच स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपने कभी ये सोचा है कि आपको इस मैच में कुछ नया सीखने को मिलेगा? नहीं सोचा तो दोस्तों बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों एक बार ये सोच के खेला करो कि इस मैच में मेरे को कुछ नया करना है। तो दोस्तों इससे आपका गेम प्ले 110% इम्प्रूव हो जाएगा, एक बार ये ट्राई करके देखना। मैं आपको दोस्तों 5 टिप्स बता रहा हूँ, इन टिप्स को आप एक एक करके फॉलो करो, पर डे एक टिप फॉलो करो। इसके बाद भी अगर आपका गेम प्ले इम्प्रूव नहीं हुआ ना, अब मेरे वीडियो को डिसलाइक मारो, चैनल को रिपोर्ट मारो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों ये मेरी पहली टिप है। इस टिप में आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे को दो बंदों ने मतलब घेर रखा था, मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था, यहाँ पे दो बंदे आ गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको उनके मतलब फेस टू फेस फाइट ना लेके, मतलब फेस टू फेस फाइट कभी मत लो, यहाँ पे टीपीपी मत लो, यहाँ से आप सीधा जंप करो और फायर दे दो, वो उम्मीद ही नहीं कर पाएंगे कि आप यहाँ भी आ सकते हो। दोस्तों जैसा कि आपको दिख ही रहा है, लाइव प्रूफ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि आप टीपीपी लेने से बढ़िया फाइट ऐसे कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। तो दोस्तों सेकंड टिप मैं आपको पता ही चल गया होगा, जॉर्जो कंटेनर है। अब आप इस गेम प्ले को देखो, फिर देखना मैंने क्या किया। मतलब जब भी आप मतलब बंदों पे रश कर रहे हो स्क्वाड में, तो कभी भी ना चारों नीचे से मत जाओ, क्योंकि अगर टीपीपी ले रहे होंगे ना चारों बंदे तो आपको आराम से ले जाएंगे। एक को एटलीस्ट ऊपर भेजो, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्या है कुछ, मतलब इसको पता ही नहीं है मैं कहाँ पे हूँ। यहाँ पे दोस्तों मतलब कभी भी ना चार के चार बंदे ग्राउंड मत जाओ, एक कंटेनर के ऊपर जरूर जाओ, ये मेरी प्रोफेशनल एडवाइस है, प्लीज़ एक बार ट्राई करना। तो दोस्तों ये मेरी थर्ड टिप है, जब भी आपका कोई टीममेट नॉक हो ना, तो कभी भी ना जो बंदा रिवाइव दे रहा है ना उसके साथ कभी मत बैठना दोस्तों, कुछ अलग ट्राई करो। आप कहीं और जाके टीपीपी लो जहाँ पे उस बंदे ने सोचा ही ना हो कि आप वहाँ भी हो सकते हो। जैसा कि दोस्तों आपको इस गेम प्ले में दिख जाएगा, मेरा एक टीममेट नॉक है, अब उसके ऊपर रश होगा बंदों का, लेकिन मैं उसके साथ नहीं हूँ, क्योंकि अगर उसके साथ रहूँगा ना तो वो फ्री फायर में हम तीनों को ले जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं हूँ तो दोस्तों आप देखते जाओ क्या हुआ, मतलब इसको पता ही नहीं चला मैं यहाँ पे हूँ, और आप आराम से रश को रोक सकते हो, आराम से डिफेंस कर सकते हो, एक बार ट्राई जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों ये है मेरी फोर्थ टिप। इस टिप में मतलब मैंने कोई रश का नहीं बताया, मतलब कई बार आपने दोस्तों स्क्वाड हाउस में देखा होगा कि गाड़ी फंसी होती है तो आप ऊपर नहीं जा सकते, तो दोस्तों देख लो मैं किस तरह से ऊपर जा रहा हूँ, उस तरह से आप जरूर ट्राई करना। आप इस तरह से ऊपर जाके आराम से बंदों को मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में मेरे को जरूर रिप्लाई भेज सकते हैं। सो दोस्तों ये रही मेरी पांचवी टिप्स। इस टिप में मैंने बताया कि आपको मतलब 1v4 क्लच कैसे करना है, और दोस्तों खास करके इस 3-स्टोरी में, जब भी आप इस 3-स्टोरी में फंस जाओ दोस्तों, तो मतलब ये सिचुएशन मतलब हर एक पबजी प्लेयर के साथ होती है, कई बार हुई है मेरे साथ तो। और दोस्तों मैं अपनी मतलब पर्सनली मैं अपना बेस्ट अपनी टिप्स बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ इस सिचुएशन में। यहाँ पे दोस्तों देख लो, यहाँ पे एक बंदा आ रहा है मेरे ऊपर रश करने, मेरे पे सिर्फ शॉटगन है। अब देखो, चलो अब आप कहोगे एक सिंगल बंदे के लिए तो ये टिप ठीक है, लेकिन जब पूरी स्क्वाड क्लच करेगी तब आप क्या करोगे? तो दोस्तों देखते जाओ। अब यहाँ पे उसी का टीममेट आया, इसको भी मैंने मार दिया यहाँ पे। अब देखना दोस्तों, अब आप फिर कहोगे तो एक ही बंदा आया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मेरे ऊपर दो बंदे एक बार में क्लच कर देंगे, मतलब रश कर देंगे मेरे ऊपर, तब देखो उसके बाद भी मतलब ये टिप एकदम मस्त फॉलो, मतलब बहुत बढ़िया काम कर रही है। आपको बस यहाँ पे टीपीपी लेते रहना है इस सीढ़ी पे, और जब भी जैसे ही बंदा देखे आपको फायर दे देना है, फ्री फायर के साथ ही बंदे के सामने चले जाओ। अभी आप दोस्तों सिंपल मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों, कहीं मैं कुछ अलग चीज़ नहीं बता रहा, जो मैं करता हूँ इस सिचुएशन में वही मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं दो बंदे मेरी बिल्डिंग में, अब आप देखते जाओ क्या करता हूँ मैं। तो दोस्तों उनमें से एक बंदा आई थिंक आ गया, ये देखो दोस्तों इसको मैंने नॉक किया। अब देखना, इसका दूसरा टीम में थोड़ा समझदार सा था, वो फ्री फायर के साथ आया था मेरे को मारने, लेकिन फिर भी देखो दोस्तों मैंने उसको कैसे मारा। सो दोस्तों ये थे मेरे कुछ पर्सनल टिप्स जो मैंने अपने पबजी के एक्सपीरियंस से सीखे हैं, या फिर जो पबजी ने मेरे को सिखा दिए। आप भी इन टिप्स को यूज़ करें, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको कुछ ना कुछ एटलीस्ट 1% तो फ़ायदा ज़रूर होगा इस वीडियो को देखने के बाद। प्लीज़ इन टिप्स को फॉलो ज़रूर करना, और इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।